अब मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको मान लो बोला है कि टोटल करंट जिसमें कहां कहां से भी कितने 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 करंट जो है वो जा रहे हैं वो बोला हुआ है, ठीक है। इसमें बोला है क्वेश्चन, मान लो इसमें क्वेश्चन में लिख देता हूं, फाइंड करंट इन ऑल ब्रांचेस, सारे ब्रांचेस में करंट निकालना बोला है, ठीक है। इसको एक बार आप लोग ओम्स लॉ से देखने में कोशिश कीजिए, पॉसिबल है, नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे दो दो क्या है आपके पास, ये है ना, पॉसिबल नहीं दिख रहा है आप लोग, आसान होगा किरचॉफ्स लॉ ही लगा लेते हैं। चलो तो किरचॉफ्स लॉ ही लगा लेते हैं। सबसे पहला काम मैं यहाँ पे करता हूँ, सबसे पहला काम मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहला काम मैं यहाँ पे करूंगा क्या डिवाइड करना, करंट डिवाइड करना, है ना। सबसे पहला काम हमारा पता है आपको, करंट डिवाइड करना था। यहाँ मान लो आई वन करंट जा रहा था, मान लो इधर से भी आई वन ही करंट जाएगा, इधर से मान लो आई वन ही करंट जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक करंट डिवाइड हो गया मेरा, है ना। अब दूसरा, यहाँ से भी क्या करंट जाएगा, आई टू करंट जाएगा, यहाँ पे जंक्शन आ गया, जंक्शन के पास में यहाँ पे रुक गया, ठीक है। आई टू करंट आएगा, इधर से भी आई टू करंट जाएगा, यहाँ से भी आई टू करंट जाएगा। अब देखो केसीएल लगा, केसीएल लगाने के बाद क्या होगा, आई वन प्लस आई टू क्या होगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये भी इधर से ऐसे आएगा, ये भी इधर से ऐसे आएगा, दोनों जॉइन होकर इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो इधर नेट करंट कितना हो गया, आई वन प्लस आई टू इधर करंट हो गया, ठीक है, इधर आई वन प्लस आई टू करंट हो गया, है कि। अब इधर से फिर से वापस क्या होगा, यहाँ पे जंक्शन है, यहाँ पे भी आई वन प्लस आई टू आया, है कि। अब यहाँ पे साइड में आई टू आएगा और इधर से फिर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट एंट्री कितना है, आई वन प्लस आई टू, लीविंग रहेगा आई वन इधर आई टू इधर। चलो आई वन इधर से आया, इधर जाकर अपनी जगह में घुस जाएगा, इधर आई टू इधर से आया अपनी जगह में ये घुस जाएगा, करंट डिवाइड हो गया, अपने को सारा चीज आसान हो गया। वोल्टेज की पोलैरिटी नाप लो, बड़ा वाला साइड प्लस, छोटा वाला साइड माइनस, बड़ा वाला साइड प्लस, छोटा वाला साइड माइनस, है कि नहीं। अब चलो इसमें हम लोग को डिवाइड करना है लूप, क्या डिवाइड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लूप। मान लो मैं लूप को कुछ ऐसा ले लिया, इसमें भी मान लो मैं ऐसा ही ले लेता हूँ, ठीक है, दो लूप हो गया, ये वाला लूप वन हो गया, ये वाला लूप टू हो गया, ठीक है। अब डायग्राम तो हमारा काम पूरा हो चुका है, अब सारा का सारा काम हमारा ये जो भी है साइन कन्वेंशन, दूसरा अपना सर्किट, ठीक है। जब सबसे पहले अपन लोग काम करते हैं लूप वन के लिए, ठीक है, हम लोग इसमें लिखते हैं फॉर लूप वन, ठीक है। लूप वन के लिए देखो मैं यहां से चल रहा हूं, मेरा लूप कैसे जा रहा है, ठीक है, लूप वन कहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, ऐसे करके ऊपर जाएगा, इधर से जाएगा, यहां से घूम के फिर इधर से करके वापस, है ना। सबसे पहले मैं यहां से निकला, ये जा कहां से रहा है, माइनस से लेके प्लस की ओर जा रहा है, माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, तो माइनस से प्लस में क्या होता है, ईएमएफ, माइनस से प्लस में ईएमएफ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, तो क्या लेंगे, पॉजिटिव 12 वोल्ट, फिर प्लस 12 वोल्ट ले लिया, चलो ठीक है। आगे अब देखो लूप बी सी डायरेक्शन जाता, अगला कौन सा एलिमेंट मिलेगा हम लोग को, ये 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो मिलेगा, ये 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो मिलेगा, ठीक है। लूप बी सी डायरेक्शन में जा रहा था, लूप भी इसी डायरेक्शन में जा रहा, करंट भी देखो इसमें से, इसके थ्रू जो करंट है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में क्या लेते हैं हम लोग, कहते हैं निगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप, हम लोग कहते हैं निगेटिव, तो निगेटिव आई वन इंटू फाइव, ठीक है, निगेटिव आई वन इंटू फाइव ले लिया मैं। चलो यहां तक क्या गया, आगे आगे गया मैं, गया 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 यहां पहुंचा, है कि नहीं। अब इसमें से करंट कितना जा रहा था, आई टू प्लस आई वन, दोनों करंट इसमें से जा रहे हैं, ठीक है ना, इसमें से आई टू प्लस आई वन दोनों करंट इसमें से जा रहे थे, और लूप का डायरेक्शन भी दिया था, करंट का डायरेक्शन भी दिया था कि। चलो इसको तो मैं कैसे लिख सकता हूं, दोनों जब सेम डायरेक्शन ले तो निगेटिव टोटल करंट आई वन प्लस आई टू इंटू टू, ठीक है। उसके बाद कुछ है क्या, उसके बाद कुछ है नहीं, वापिस जाके मैं उसी जगह में आ गया, इज इक्वल टू इसको मान लो मैं जीरो रख लिया। अब कुछ नहीं करना है, इसको एकदम आसान सा वो है अपना मैथ्स है, इसको अपने सिंप्लीफाई करना है। चलो सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या हो जाएगा, 12V माइनस 5I1, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई माइनस 2I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 0। चलो सवाल में आया इतना, है ना, I1 आया, ये दोनों प्लस कर दो, है ना, I1 और I1 प्लस लेंगे, I2 वाला एक्स्ट्रा रह जाएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12V माइनस 7 आई वन माइनस टू
आई टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, माइनस टू आई टू इज इक्वल टू जीरो। इसी को नॉर्थ में मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये दोनों को उधर लेके चले जाओ ताकि मेरे को थोड़ा अच्छा लगे, है कि नहीं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेवन आई वन प्लस टू आई टू इज इक्वल टू ट्वेल्व, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर वन। एक इक्वेशन के लिए आप लोगों को आई वन और आई टू के फॉर्म में देखो इस सर्किट में क्या बोला था, फाइंड करंट इन ऑल ब्रांचेस, है ना। तो अगर सारे में आई वन यहाँ पे, आई वन यहाँ पे है, आई टू यहाँ पे है, आई वन प्लस आई टू यहाँ पे, अगर सारे करंट मेरे को मिल गए तो एकदम आसान सी बात है, पूरी पूरे हम लोग को करंट मिल जाएगा, कि मिल जाएगा एकदम सिंपल है। चलो अब इसको मैं काम करता हूँ, बॉक्स उड़ा देता हूँ ताकि इसमें आपको कंफ्यूज ना हो कि क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। चलो अब अगला अपना ये पहले लूप का जो काम था अपना जिसका भी खेल था वो अपना खत्म हो चुका है, अगले लूप हम लोग अगले लूप का खेल अपना चालू करते हैं। चलो ठीक है, फॉर लूप टू, लूप टू के लिए आते हैं। लूप टू क्या है, शुरुआत हम लोग करते हैं ईएमएफ से हमेशा, ठीक है। अब लूप कैसे घूम रहा है, यहां से शुरुआत हो रहा है समझो, ठीक है, मान लो यहां से शुरुआत हो रहा है, गोल घूम के यहां से शुरुआत कर, मान लो गोल घूम के फिर यही खत्म हो जाएगा, तो मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं। देखो हमेशा ट्रिक है कि ईएमएफ से स्टार्ट करना थोड़ा आसान पड़ जाएगा, ठीक है। तो ईएमएफ यहां पे इस लूप में ईएमएफ कहां मिला, मेरे को यहां पे मिला 6 वोल्ट के अक्रॉस मेरे को ईएमएफ मिल गया। तो चलो 6 वोल्ट के अक्रॉस में ईएमएफ कैसे जा रहा है, लूप माइनस से प्लस जा रहा है क्या, नहीं, इस बार प्लस टू माइनस जा रहा है, इस बार कहां जा रहा है, प्लस टू माइनस। तो लूप को मैं क्या लूंगा, सॉरी ईएमएफ को मैं क्या लूंगा, निगेटिव, ठीक है। मैं इसको क्या लिखा, निगेटिव 6 वोल्ट, निगेटिव टाइम्स 6 वोल्ट। देखो अब मैं यहां से आगे बड़ा 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 कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिला, मेरे को आगे का पोटेंशियल ड्रॉप मिला इस वाले रेजिस्टेंस में, दोनों का जो रेजिस्टेंस था वहां पे मेरे को मिल गया क्या, एक पोटेंशियल ड्रॉप। यहां पे मेरे को ऊपर मिला, लूप जा रहा था इधर, लूप किधर जा रहा, इधर है, करंट जा रहा था इधर नीचे, ऑपोजिट डायरेक्शन, किस तरह, ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता तो पोटेंशियल ड्रॉप को हम लोग क्या लेते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं आपको क्या कहूंगा, पोटेंशियल ड्रॉप प्लस टोटल करंट है आई वन प्लस आई टू इंटू कितना ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब अगला देखो, फिर यहां से निकल के निकल के निकल के आगे निकला निकला निकला, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिला, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, यहां मिला आपका पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, 3 ओम के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप मिला, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप मिला। अब पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है, अब पोटेंशियल ड्रॉप में मान लो तो उसका डायरेक्शन देख लेता हूं, लूप का डायरेक्शन ऐसे आ रहा, करंट का डायरेक्शन इसमें ऐसे आ रहा, लूप ऐसे करंट ऐसे, लूप ऐसे करंट ऐसे, तो लूप और करंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों उल्टे डायरेक्शन में, दोनों उल्टे डायरेक्शन में तो क्या होता था, पॉजिटिव। चलो तो पॉजिटिव 3 into I 2, ठीक है, 3 into I 2 is equal to क्या होता है, 0 होता है, समझ में आ गया यहां तक के। चलो अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 6 वोल्ट पे काम करता हूं, उधर भेज देता हूं, मैं तो क्या लिखता हूं, आई वन प्लस आई टू इंटू 2 ओम प्लस 3 टाइम्स आई टू इज इक्वल टू 6 वोल्ट, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व करके क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 टाइम्स ऑफ आई वन प्लस 2 टाइम्स ऑफ आई टू प्लस 3 टाइम्स ऑफ आई टू इज इक्वल टू 6 ऑफ वोल्टेज, 6 टाइम्स ऑफ वोल्टेज मतलब 6 वोल्टेज है कि नहीं। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को प्लस कर सकता हूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ आई वन प्लस 5 टाइम्स ऑफ आई टू इज इक्वल टू 6 वोल्ट, ये मेरे को मिल गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 मिल गया मेरे को, दो इक्वेशन मिल गया, देखो इसमें भी आई वन आई टू है, इसमें भी आई वन आई टू है, इसमें भी आई वन आई टू है कि आई वन आई टू, आई वन आई टू वोल्टेज 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 है सारे, मतलब मेरे को अब इसमें निकालना है आई वन और आई टू। मेरे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, ठीक है, मेरे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल। अब अपन लोग 10 का मैच याद करें, 10 के मैच में लोग क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, या फिर दो इक्वेशन सॉल्विंग इन लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल करके एक था अपने चक्कर, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि अपन लोग के पास अगर दो वेरिएबल है, देखो यहां पे दो वेरिएबल है आई वन और आई टू, दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, देखो इक्वेशन वन इक्वेशन टू दो इक्वेशन है, इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो कौन कर लो, सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू दो इक्वेशन है, मान लो है ना, उन दोनों को हम लोग को सॉल्व कर लो, है ना। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं क्या, एलिमिनेशन मेथड। सबसे आसान लोगों को, आसान लोगों का एलिमिनेशन मेथड लगता है, इसलिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड यहां पे इस्तेमाल कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता था,
लोगों को क्या करना पड़ता था, एलिमिनेशन मेथड करने के लिए हम लोग को इसमें से किसी भी एक के कोफिशियंट को, इसमें से किसी भी एक के कोफिशियंट को हम लोग को इक्वल बनाना पड़ता था, है ना। तो चलो इसका मैं आई वन के कोफिशियंट को इक्वल बना लेता हूँ, एकदम आसान। आई वन के कोफिशियंट को इक्वल बनाने के लिए आई वन का कोफिशियंट, आई वन का कोफिशियंट टू है, सेवन। तो इस वाले इक्वेशन में मैं सेवन, ध्यान देना ना, इक्वेशन टू में सेवन और इक्वेशन वन में टू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन वन सबसे पहले लिखा मैं 14 टाइम्स ऑफ आई वन टू मल्टीप्लाई किया तो प्लस 4 टाइम्स ऑफ क्या, 4 टाइम्स ऑफ क्या आ गया आई टू इज इक्वल टू क्या आ गया 4 इंटू सॉरी 2 इंटू कर देता जाएगा 24 हो जाएगा क्या। चलो यहां पर 24 लिख दिया है कि नहीं, चलो यहां तक आ गया अपना आसान था, यहां पर इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेवन, अब ये वाले में हमको सेवन मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है सेवन, है कि चलो सेवन मल्टीप्लाई करो, सेवन मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 14 आई ऑफ वन इतना जाएगा प्लस 35 आई टू ये वाला कितना जाएगा 42, है कि कुछ नहीं। पहले वाले क्वेश्चन में टू मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले क्वेश्चन में सेवन मल्टीप्लाई किया, दोनों का सामने वाला कोएफिशिएंट 12 सॉरी 14 हो गया, 14 है कि दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना बहुत आसान, ये कट गया ये कट गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा माइनस 31 आई टू इज इक्वल टू ये दोनों कितना बच गया, ये दोनों कितना बचेगा अराउंड 24 माइनस 42, ठीक है, ये बचेगा आपके पास 18 समथिंग अराउंड बचेगा, 18 माइनस 18 बचेगा, है कि नहीं। चलो अब यहाँ पे इसको बना लेता हूँ मैं, 18 बच गया मतलब माइनस 31 आई वन आई टू सॉरी आई टू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 18, है ना, मतलब आई टू इज इक्वल टू क्या आ गया 18 डिवाइडेड बाई 31, ठीक है। आई टू इज इक्वल टू मेरे को मिल गया 18 डिवाइडेड बाई 32, कुछ नहीं, एकदम आसान, ठीक है। अब एक काम करो, दूसरा इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ये वाला इक्वेशन सॉल्व कर लो 7 आई वन, ठीक है, पुटिंग आई टू पुट I2 is equal to 18 by 31 in equation 1. Equation 1 में इसको रख दो, आसानी से अपना सवाल निकलने वाला है, ठीक है। चलो रख के देखो, रखो वहां पर उसको, कैसे होगा ये वाला 7 I1 plus 2 into 18 divided by 31 I2 के जगह पे क्या रखा 18 डिवाइडेड बाय 31 क्योंकि यहां पे आ चुका था मेरे पास, ठीक है, इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 12 आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 12 आ गया, है ना। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे बनाओ 7 I1 plus 36 अपॉन क्या है 36 अपॉन 31 36 होता है, हां 36 होता है, इज इक्वल टू 12 हो गया, मतलब 12 हो गया। चलो इसमें से हम लोग 7 I1 is equal to 12 minus 36 upon 31 हो गया, ठीक है, 36 upon 31 हो गया, है कि। अब एक काम करो, इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, 7 I1 ओके, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई होगा 31 क्या होगा एलसीएम आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा कर दी तो 31 कर लो, अब एक काम करो, इसको डिवाइड करके देखते हैं हम लोग कितना मिल जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 30 मिल गया। देखो हमको दो वैल्यू मिल गई कि नहीं, दो वैल्यू मिल गई कि नहीं, सबसे पहला मिला मेरे को I1 is equal to कितना 48 बाय 31, दूसरा मिला मेरे को I2 is equal to 18 बाय 31, ठीक है, 18 बाय 31 दो वैल्यूज मिल गई मेरे को यहां पे, है कि। अब इन दोनों को एक काम करो, मेरे को मिल गया आगे I1 मिल गया I2 मिल गया, एकदम आसान,
आई वन इज इक्वल टू कितना हो गया 48/31, और आई टू इज इक्वल टू मेरे को मिल गया कितना 18/31 है कि है ना। चलो अगला क्या करना है हम लोग, इस ब्रांच का बस हम लोग इस ब्रांच के थ्रू करंट मिल गया, आई वन इज इक्वल टू इतना होता है, आई टू इज इक्वल टू इतना होता है, हम लोग सारा मिल गया, बस इस ब्रांच का करंट बाकी है। आप लोग आई वन और आई टू को प्लस कर दीजिएगा, आई वन आई टू प्लस कर दीजिएगा, आपको इस ब्रांच का करंट मिल जाएगा, ठीक है, या आप कर लीजिएगा है। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो एक बार इस क्वेश्चन को मैं रिकैप कर दे रहा हूं एक बार जल्दी से, ठीक है, एकदम रिकैप। इतनी बात की है कि सिर्फ हम लोग का काम था ये इक्वेशन बनाने का, ये इक्वेशन और यहां पे जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूं फॉर लूप वन और लूप टू के लिए, ये दो इक्वेशन ही अगर मैं बना लिया, ठीक है, अगर ये दो इक्वेशन मैं बना लिया तो मेरे को पूरा इस सर्किट का एनालिसिस हो जाएगा, बाकी आगे पूरा मैथ्स है। इस इक्वेशन को सिंपलीफाई किया हूं, इस इक्वेशन को सिंपलीफाई किया हूं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल मिल गया मेरे को, सर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया हूं, प्योर मैथमेटिक्स, ठीक है ना। फिजिक्स हमारा कहां पे था, फिजिक्स हमारा था सिर्फ और सिर्फ यहां पे और यहां पे, ठीक है, फिजिक्स क्या फिर जो केवीएल का हमारा रूल है, केवीएल के से जो रूल है वो सिर्फ यहां तक ही सीमित है, सिर्फ यहां तक ही सीमित है। सर्किट बनाना, लूप 1 के लिए इक्वेशन लिखना, लूप 2 के लिए इक्वेशन लिखना। लूप 1 में देखो 12 वोल्ट प्लस से माइनस, नहीं माइनस से प्लस तो प्लस, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में लूप नेगेटिव, करंट के डायरेक्शन में लूप नेगेटिव हो गया खत्म, ठीक है, करंट नापने के बाद यहां पर भी देखते हैं ऊपर, इसमें यहां शुरुआत माइनस से प्लस, यहां शुरुआत करो देखना, यहां से ये पॉइंट देखो आप माइनस से प्लस, ठीक है, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस में क्या होता था पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव लिया, नेगेटिव लेने के बाद इधर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में लूप पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, यहां पर भी क्या होगा करंट इधर लूप इधर, लूप इधर है नहीं, तो क्या होगा करंट से अपोजिट डायरेक्शन में फिर पॉजिटिव, ये सेम सिंपल सॉल्यूशन, एकदम सिंपल सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां तक एंड हो गया है ना, आप लोग इसको एक बार घर में अच्छे से देख लीजिए।